कौन सी मूवी कब आ रही है, कौन सी मूवी कब आ रही है, उस मूवी के अंदर कौन कौन एक्टर हैं, कौन कौन एक्ट्रेस है, विलन कौन है, स्टोरी क्या रहेगी, सिर्फ यही रह गया हमारे दिमाग के अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ यही रह गया। और कौन से थिएटर के अंदर ये मूवी देखनी चाहिए, सिर्फ यही रह गया। उसके सॉन्ग कैसे रहेंगे, अब नई मूवी आ गई उसमें एक्ट्रेस का चेहरा हमें समझ में आ गया कि उसके अंदर एक्ट्रेस ये है और एक्टर ये है, उस हिसाब से हमने मूवी देख ली। क्या यार सिर्फ यही, क्या सिर्फ यही रह गया क्या है यार। एक बार आप गहराई में जाके देखो, हम ऐसे इंसान की मूवियाँ देखना पसंद कर रहे हैं, ऐसे इंसान की मूवियाँ देखना पसंद कर रहे हैं जो कि ऐसी ऐसी चीज़ों की ऐड कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों की ऐड कर रहे हैं जिसकी अच्छाइयाँ उसके अंदर, अगर उस प्रोडक्ट के अंदर में अगर एक अच्छाई है ना तो एक अच्छाई तो बता देंगे, लेकिन उसके अंदर 99 अगर बुराइयाँ हैं उसके बारे में हमें नहीं बताएंगे ना, कभी नहीं बताएंगे कि आप इसकी इतनी मात्रा लीजिएगा और इसको लगाने से हमारे चेहरे में ये हाल होगा और इसको लगाने से हमारे चेहरे का ये हाल होगा, कभी नहीं बताएंगे। और हम फिर भी अंधाधुंध होके वो चीज़ ले लेते हैं, ना उसके बारे में गहराई में कभी जाएंगे और ना कभी सोचेंगे। मैं तो सिर्फ एक बात और, अच्छा एक बात और, आप शायद अनुमान नहीं लगाएंगे कि वो एक एक ऐड का कितना कितना पैसा लेते हैं, उस बात से हमें मतलब नहीं है कि वो एक ऐड का कितना पैसा लेते हैं, उस ऐड का जो पैसा है वो हमारी पॉकेट से नहीं जा रहा है, उस ऐड का जो पैसा है वो हमारे पॉकेट से नहीं जा रहा है, लेकिन उसके अंदर है क्या ये देखिएगा यार। कभी सोचना कि काश हम खुद सभी एक्टर होते यार, हम सभी एक्टर होते, सभी अच्छी अच्छी मूवियाँ बनाते जिसके अंदर कोई गंद नहीं होता, कोई कचरा नहीं होता। अब जो मूवियाँ बन रही है ना भैया, अब जो मूवियाँ बन रही है वो मूवियाँ सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर में कूड़ा डालेंगे, कूड़ा कुछ नहीं रहा भाई मेरे, कुछ नहीं रहा, अब सिर्फ यही रह गया। अब 3 घंटे में कैसे भी करके मूवी थिएटर के अंदर जाना है, मूवी देखनी है क्या नहीं, आने के बाद रिस्पॉन्स देना है कि मूवी अच्छी थी या नहीं थी। हम खुद एक्टर होंगे, हम खुद ऐड करेंगे, व्यूवर्स भी हम ही, एक्टर एक्ट्रेस भी हम ही, हर चीज़ की ऐड करेंगे और उस ऐड के अंदर में सबसे बड़ी बात ये बताएंगे उस प्रोडक्ट के अंदर में है क्या, उसके अंदर ये अच्छी चीज़ें हैं और ये उसके अंदर में ऐसी बुरी चीज़ें हैं। चाहोगे आप लोग, सब चाहेंगे, कौन नहीं चाहेगा, एक्टर बनना भी सब चाहेगा और ऐसा मौका लेना भी सब चाहेगा जिससे देश में सुधार हो। ऐसे ऐसे एक्टर हैं, ऐसे ऐसे एक्ट्रेस हैं, नाम यहाँ लेना सही नहीं रहेगा, जो कि यार जिसका यही नहीं पता साल टिके हैं या 2 साल टिके हैं वो दूसरी जगह उछल के चले गए, ना पारिवारिक ज़िंदगी में, पारिवारिक ज़िंदगी में भी ऐसा ही है, साल यहाँ छलांग लगा के 2 साल वहाँ, समझ गए। और ऐसे ही हाँ बस वही वही, तो उनके ऊपर आप भरोसा कर रहे हो, उनके आप भरोसा कर रहे हो कि ये जो लोग हैं वो ऐसी मूवियाँ बनाएंगे जिससे हमारे अंदर सुधार आएगा, ये उम्मीद रख रहे हो तुम लोग, हम लोग। अगर देखना ही है ना, देखना ही है, अगर देखना ही है तो बॉर्डर के ऊपर जाके देखो, अगर देखने का ही शौक है तो। यार संसार ऐसा हो स्वर्ग के जैसा, जिसमें कोई कूड़ा कचरा ना हो, साफ स्वच्छ हो। अभी देखो इतना साफ स्वच्छ हो, देखो ये देखो, आपको दिख रहा हरियाली दिख रही है ना, ऐसा साफ स्वच्छ हो ये संसार, पता है ऐसा ही है। और हमें कैसा दिख रहा है बताऊं, आप एक बार के लिए सांस बंद करके एक बार के लिए गहरा सांस लो, उसको रोको, एक बार मेरे कहने से अजमा के देखो, एक बार लंबा गहरा सांस लो, उसको रोक दो, वो
आपको डिपेंड करता है कि 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड या 40 सेकंड तक आप रोक पाओगे, और उस रुके हुए सांस को, उस रुके हुए सांस की जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग के अंदर में आप ये सोच के देखना, कुछ भी सोच के देखना, अपने परिवार के बारे में, इस संसार के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में सोच के देखना, किसी चित्र के बारे में, उस 20, 30, 40 सेकंड के गैप के अंदर में, जैसे सांस हमने ले लिया, रोक दिया, और रोकते रोकते का जो टाइम होता है, उस टाइम में आप कुछ सोच के देखना, देखना आपके सामने उस टाइम पता क्या नज़र आएगा, उस टाइम आपके सामने कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सब कुछ ब्लैंक, सब कुछ ब्लैक, ना किसी की टेंशन होगी और ना किसी काम का प्रेशर होगा, ना घर होगा, ना जगत होगा, ना संसार होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ही बात दिमाग के अंदर में होगी, फटाफट से सांस कब ली जाए, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, यही जगत का नियम है मेरे भाई, यही जगत का नियम है। सबसे पहले इंसान खुद के बारे में सोचता है, सबसे पहले इंसान खुद के बारे में सोचता है, ये बात मैं प्रूव कर सकता हूँ। आप सांस रोकने के बाद, सांस रोकने के बाद 30 सेकंड का टाइम, जो 20 सेकंड का टाइम, इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टाइमिंग कितना है, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, उस टाइम के अंदर में आप कुछ सोच के देखना, आपके दिमाग के अंदर में कुछ चीज़ नज़र नहीं आएगी, सिर्फ ब्लैंक और ब्लैक ही होगा। क्यों? उस टाइम उसके दिमाग के अंदर में सिर्फ एक ही बात होगी, सांस कब लेना है, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा, यही संसार का नियम है मेरे भाई। इंसान सबसे पहले खुद के बारे में सोचता है, और हम ये सोचते हैं कि यार वो इंसान मेरे बारे में सोचता बहुत है। वो अगर सोचता भी है ना, अगर वो इंसान सोचता भी है, तो भी कभी सोच के देखना कि वो इंसान हमारे लिए इतना सोचता क्यों, हमारे परिवार के बाद। या 1-2% होंगे कुछ लोग ऐसे, या 1-2% नहीं तो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत कम हुए होंगे, ना के बराबर ही होंगे ऐसे लोग, बहुत कम। तो आप सोचना, विचार करना कि हमें ये जो मूवियाँ, जो बहुत सारी मूवियाँ, जो गंद भरी हुई मूवियाँ ना, जो ऐड ऐसी डाल रहे हैं, जो एक्टर ऐसी ऐसी ऐड डाल रहे हैं, जो ऐड देखने के लिए हमें सबसे पहले अपने टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखना पड़ता है कि हमारे बच्चे पास में बैठे हुए हैं, और ऐसा वैसा ऐड ना जाए, ऐसा वैसा ऐड ना आ जाए, और हमें चेंज ना करना पड़े। क्यों? हमें पहले विश्वास है कि ऐड के अंदर ऐसा कचरा हो सकता है या होगा ही। तो भाई मेरे, आप थोड़ा सा ध्यान करिएगा, मैं तो सिर्फ आपसे यही नरम निवेदन करता हूँ, और अपना मोदी सरकार जी से सिर्फ हाथ जोड़ कर यही विनती है हमारी कि रोड के ऊपर बहुत सारी गायें और आकल ऐसे घूम रहे हैं, जो रोडों पे पड़ी हुई गंदगी, जो बहुत से लोग ऐसे कचरे हैं, खुद कचरे हैं, जो रोडों के ऊपर जो कचरा डाल रहे हैं, और जिनको ये नहीं पता कि ये कचरा रोड पर डाल रहे हैं, लेकिन इस कचरे का होगा क्या, वो कचरा गायें, आकल और कुत्ते खा रहे हैं रोडों पे। मैंने बताया ना, आप 2-4 दिन पहले मैंने वीडियो भी डाली थी, उसके ऊपर मैंने बताया था कि एक वो अक्ल, हाँ अक्ल था, वो मुंह के अंदर में चप्पल खा रहा था, आधी चप्पल उसके मुंह के अंदर थी, आधी चप्पल उसके बाहर थी मुंह के अंदर, मैंने फटाक से निकाली, और उस कचरे के अंदर यकीन मानिएगा ऐसा कचरा डाल रखा था कि मैं अपने मुँह से बता भी नहीं सकता। और उस कचरे के अंदर जो हमारी माता है, हमारी गाय माता है, उस कचरे के अंदर में ऐसे ऐसे मुंह मारी थी। अब ये बताओ, मैं उस गाय को भगाऊं या कचरे को उठाऊं? कचरा इतना सारा, आप वीडियो के अंदर देखिएगा, पहली वीडियो में इतना सारा कचरा, बस क्या बताऊं यार, मेरे से बस मैं तो यही बोल रहा हूं। बाकी जैसा जो इंसान अपने बारे में सोच लेगा, मैं इसके बारे में गहराई से नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, जय भारत माता, जय गौ माता, देश का कल्याण हो, आप सभी खुश रहें।